दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले पार्टियों की फेरबदल जारी है। उज्जैन के बीजेपी नेता समंदर पटेल ने बड़ी घोषणा करते हुए बीजेपी छोड़कर पुनः कांग्रेस में वापसी की घोषणा कर दी है। 18 अगस्त को वे कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पर ओम प्रकाश सकलेचा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें, नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वे घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। समंदर का कहना है कि कांग्रेस संगठन ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वह निष्ठापूर्ण निभाएंगे। आपको बता दें, समंदर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वे 18 अगस्त को पूरे लाव लश्कर के साथ भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। इसी के साथ जावद विधानसभा सीट पर बड़े उलटफेर के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, समंदर पटेल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिपाह सलार माने जाते हैं। कद्दावर नेता और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के साथ ही समंदर पटेल भी भाजपा के हो गए थे, लेकिन भाजपा में उन्हें वह तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। जावद के विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के रहते पटेल को ना सरकारी मशीनरी और ना ही भाजपा संगठन ने महत्व दिया है। यही कारण है कि उन्होंने फिर से कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लगातार अपनी उपेक्षा और समर्थकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से तंग आकर 9 अगस्त को समंदर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। लंबी मीटिंग के बाद उन्हें कांग्रेस में शामिल करने के लिए कमलनाथ ने सहमति दे दी। शुक्रवार को जावद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल की मौजूदगी में समंदर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भाजपा में वे घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए, साथ ही अपने समर्थकों को सकलेचा द्वारा प्रताड़ित करने के मामले भी गिनाए। समंदर ने कहा कि कांग्रेस संगठन उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वे निष्ठापूर्वक निर्वाह करेंगे। बताया भी जा रहा है कि समंदर पटेल 18 अगस्त को जावद विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों वाहनों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, समंदर पटेल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने 35,000 वोट हासिल किए थे। इस बार वे भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।